50 खबरें। जम्मू कश्मीर और झारखंड में तीसरे दौर का मतदान आज। झारखंड में मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से हो गई शुरू। तीसरे चरण में झारखंड की 17 और 14 सीटें जो हैं नक्सल प्रभावित हैं, 17 सीटों पर हो रहा है मतदान। 17 सीटों के लिए 289 उम्मीदवार मैदान में, 26 महिलाएं, 103 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल। 27,000 सुरक्षाकर्मी तैनात, नक्सल प्रभावित सीटों पर हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी और जवान, वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। कश्मीर में 16 सीटों पर मतदान शुरू, 4 बजे तक होगी वोटिंग। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों की किस्मत का आज जनता करेगी फैसला। गाड़ी में आज 144 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद, कुल 13,69,000 मतदाताओं की तकदीर का करेंगे फैसला। लोकतंत्र के महापर्व में आज घाटी में 6.5 लाख से ज्यादा महिला मतदाता करेंगी अपने मताधिकार का प्रयोग। आतंकी खतरे के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल किए गए तैनात। पिछले 2 दौर में जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद को दिया करारा जवाब, 70% से ज्यादा किया मतदान। झारखंड के धनबाद में प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली, 12 बजे रैली में पहुंचेंगे मोदी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज, रेप केस में विपक्ष के हमलों से निपटने पर हो सकती है चर्चा, पिछली बैठक में पीएम मोदी ने देर से पहुंचने वालों को लगाई थी फटकार। सदन में आज उठ सकता है दिल्ली में बलात्कार का मुद्दा। नागपुर में महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन, कांग्रेस उठाएगी विधायकों के निलंबन का मुद्दा। राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे केरल, तिरुवनंतपुरम में करेंगे रैली। टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर की रेस से बाहर हुए मोदी, 8 फाइनलिस्ट में नहीं आ सका नाम। 50 लोगों से चुने जाते हैं 8 फाइनलिस्ट, 10 दिसंबर को होगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान। देश भर के लोगों का था इस खबर का इंतजार, रीडर्स चॉइस में नंबर 1 रहे मोदी। मोदी ने मंत्रिमंडल के लिए बना रखा है सिद्धांत, युवा टीम रखने के लिए 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से किया परहेज। दिल्ली में क्या दलित करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार, कल रामलीला मैदान में दलित रैली के दौरान जमकर उमड़ी भीड़। विशाल दलित रैली के जरिए बीजेपी सांसद और दलित परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज ने अपनी शक्ति का किया प्रदर्शन। 20 दिसंबर से दिल्ली की 45 वाल्मीकि बस्तियों में बीजेपी चलाएगी सफाई अभियान, बीजेपी के पोस्टर पर भी नजर आ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार में जुटे साक्षी महाराज ने वाल्मीकि समाज को बताया कट्टर हिंदू, कहा इस समाज से बिना मांगे मिलते हैं बीजेपी को वोट। समाज कट्टर हिंदू होने के कारण भाजपा के साथ रहता है। मैं 25 साल से राजनीति में हूँ, पांचवीं बार मैं एमपी बन के आया हूँ और मुझे एक भी वाल्मीकि ऐसा याद नहीं आ रहा जिससे मुझे वोट मांगना पड़ा हो, मुझे वोट न मिला हो। दिल्ली के पटपड़गंज में प्रचार के दौरान बीजेपी पर बरसे आम आदमी पार्टी के विधायक भगवंत मान, कहा मोदी के विदेश दौरों का ऐसे प्रचार हो रहा है जैसे जीत ली हो जंग। मान ने कहा दिल्ली की जनता ने 49 दिन की आप सरकार का देखा ट्रेलर, इस बार पूरी फिल्म देखने की बारी। अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर फिर से निकाली अपनी भड़ास, कहा जीवन में दोबारा इस पार्टी में वापस नहीं लौटूंगा, अमर बीजेपी पर दिखे नर। अमर सिंह ने हाल ही में मुलायम से की थी मुलाकात, कहा राज्यसभा सीट के लिए नहीं, अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए मिला था।
मुलायम सिंह हमारे सामने आके कहें कि अमर सिंह झूठ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कहें झूठ बोल रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं, चलिए आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि राज्यसभा की भीख मांगी इन दोनों से, बाप बेटों से। फ्रिज बांटकर विवाद में घिरे दिल्ली नगर निगम के उपमेयर रविंद्र गुप्ता, सोमवार को अपने दफ्तर के बाहर बांटा था फ्रिज। बीजेपी के विरोधियों ने मामले को चुनावी लेनदेन से जोड़ा, उपमेयर ने दी सफाई, कहा गरीब परिवार की करी मदद, बेटी की शादी में दिया फ्रिज। कुछ मुझसे सहयोग उनको चाहिए था, उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि भाई हमको जो है एक फ्रिज मिल जाए, बच्ची की शादी में निर्धन परिवार था कि भाई एक फ्रिज हमें मिल जाए जिससे हम अपनी बेटी को दे सके विवाह में उपहार के हेतु। व्हाट्सएप पर वायरल हुआ एक मैसेज, जम्मू कश्मीर में सेना की बना मुसीबत, सेना इस मैसेज को पाकिस्तान का साइबर अटैक मान रही है। मैसेज में जिक्र की उरी आर्मी कैंप में 8 जवान इसलिए मारे गए क्योंकि सेना को डर था कि आतंकवादियों पर गोली चलाने से उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी में किया प्रचार, इस बार सभी भाषा में रखी अपनी बात। अनुसूचित जाति मामले में मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में नर्सरी स्कूलों में दाखिले के केस में सुनवाई आज, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर, हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बाराखंबा रोड पर तेज रफ्तार ऑडी कार डंपर से टकराई, हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोगों में से ड्राइवर की मौत। पद्मश्री मिल्खा सिंह प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में आए सामने, कहा विदेशियों से अच्छे रिश्ते बनाने और बिजनेस लाने का मोदी में है हुनर। इंदौर में एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान मिल्खा सिंह की आंखों में आए आंसू, फिल्म भाग मिल्खा भाग देखकर रो पड़े मिल्खा। मिल्खा ने जताई इच्छा, कहा रोम ओलंपिक में अधूरा रहा देश का सपना, अब युवा खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाकर करेंगे पूरा। दिल्ली में कैब बलात्कार पर भावुक दिखी सानिया मिर्जा, कहा महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से रहा है मुद्दा। Nobody is going to be happy, right? I mean, it's the worst thing that can happen to a woman, and I totally condemn it. दिल्ली में रेप के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार के कई गुनाहों का खुलासा, गांव के लोगों ने कहा छेड़खानी के करीब 10 वारदात पहले भी दे चुका था अंजाम। यूपी में मैनपुरी के रामनगर का रहने वाला शिव कुमार, एक भाई ने की थी खुदकुशी, गांव के लोगों ने इसके लिए भी शिव कुमार को ठहराया जिम्मेदार। रिटायर्ड शिक्षक पिता ने शिव कुमार की जमानत कराने से किया इनकार, कहा नहीं है जमानत कराने का सामर्थ्य। शिव कुमार की मां का बयान, कहा शिव कुमार ने बेहद गलत काम किया, उसे जरूर मिलनी चाहिए सजा। गंतकारी बहुत गंतकारी, सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे को? हाँ सजा मिलनी चाहिए, जो तुम कह रहे सजा मिलनी चाहिए।